अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, तो गर्मियों में दिल चाहता है कि कुछ ठंडा और कुछ मज़े का पिया जाए, तो इसीलिए आज हम बनाएंगे पीना कोलाडा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगा आपको। चलिए जी, इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ड्रिंक बनाने से पहले हम लोग ग्लासेस को डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक राउंड प्लेट में लेमन जूस ले लिया है और इसी तरह की एक राउंड प्लेट में डेजिकेटेड कोकोनट ली है। तो सबसे पहले हम ग्लासेस के जो किनारे हैं उनको कोट कर लेंगे लेमन जूस से, इस तरीके से। और कोट करने के बाद इसी तरह हम कोकोनट से कोट करेंगे। जी तो इस तरीके से खूबसूरती भी आ जाती है और सर्विंग में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हम दूसरा ग्लास भी कोट कर लेंगे। अच्छा, कोकोनट का अल्टरनेट आपको पता है चीनी है। अगर आपके पास कोकोनट घर में अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको कोट करने के लिए। जी तो अब सबसे पहले हम ब्लेंडर जग ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैंने लिया है चंक्स में और ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप के बराबर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पाइनएप्पल सिरप, जो कि कैन में मौजूद होता है। ये वही वाला पाइनएप्पल सिरप है। इसकी जगह आप पाइनएप्पल जूस भी ऐड कर सकते हैं 1 कप के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क, और जितना हमने पाइनएप्पल ऐड किया है उतना ही हम कोकोनट मिल्क भी ऐड करेंगे। यानी कि 1.5 कप पाइनएप्पल था तो 1.5 कप ही कोकोनट मिल्क का ऐड करेंगे। कोकोनट मिल्क जो है वो मार्केट से थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं बता देती हूँ, वो इसकी जगह सिंपल मिल्क और डेजिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी ऐड कर सकते हैं। बस जी, अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आप लोग जानते होंगे जो पाइनएप्पल है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा जो इसमें न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए गर्मियों में। जी तो इन सब चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स। 5 to 6 आइस क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दोबारा से ब्लेंड करेंगे। जी तो यहाँ हमारा पीना कोलाडा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्विंग ग्लासेस में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों को पीना कोलाडा पल्पी पसंद नहीं है वो इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को मेरी तरह पल्पी पसंद है वो ऐसे ही इसको एंजॉय करें। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे चेरीज और पाइनएप्पल चंक्स के साथ, क्योंकि चेरीज के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार है हमारा पीना कोलाडा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, जो आज मैंने आपको रेसिपी दी है। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा। बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठ के पी रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो बस इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।